कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चंदेल सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और देशभक्ति परक एक कविता प्रस्तुत करें। चंदेल सर। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। परम आदरणीय श्रद्धे प्राचार्य महोदया, प्रजापति मैडम और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे विद्वान साथियों, मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वो कैसे कैसे लोग थे। जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए। मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो हंस के मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। वो कैसे कैसे लोग थे। कि धन्य थे वे लोग, उनकी धन्य थी जवानियां। कि कायरों में प्राण फूक जाए वो कहानियां। कि माँ ने उनको घुट्टियों में जाने क्या पिला दिया। कि जब हुए जवान तो जवान को हिला दिया। वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए। वो कैसे कैसे लोग थे। बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले। कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले। कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा। वो आहुति के वक्त पहली पात में रहे सदा। और आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए। वो कैसे कैसे लोग थे। वतन के शहीदों को आज याद ना अगर किया। जिस मान के हकदार थे अगर वो मान ना दिया तो माए ना जनेगी देशभक्त लाल फिर कोई। शहीद ना वतन पे होगा नो निहाल फिर कोई। वो कैसे कैसे लोग थे। जिए तो यूं जिए कहानियों में ढल गए और मरे तो यूं मरे अर्थ मौत का बदल गए। अंतिम दो पंक्तियों के साथ इस कविता को मैं विराम दूंगा। रात होते ही हम नींद में खो जाते हैं। सूरज ढलते ही वो तैनात हो जाते हैं। नमन करते हैं उन शहीदों को भी जो परिवारों के लिए ख्वाब हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।